दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं वोडाफोन आइडिया यानी कि वी के सबसे सस्ते OTT रिचार्ज प्लान के बारे में बात करने वाला हूं और ये जो रिचार्ज प्लान है वो आपको कितने का पड़ने वाला है और रिचार्ज कराने के बाद में आपको कौन कौन से OTT एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे और साथ ही उन सब्सक्रिप्शन को कैसे आपको एक्टिवेट करना होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नोनवलगढ़ चैनल। आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और अब दोस्तों वोडाफोन आइडिया के OTT पैक का रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में VI एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन करना होगा। अपने VI नंबर को इंसर्ट करके OTP आएगा, डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह का यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए लास्ट में नीचे आपको मेनू का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऊपर ही ऊपर आपको टेलको सर्विस देखने के लिए मिलेगी और उसी के नीचे आपको OTT पैक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सिंपली आपको इस बैनर पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में VI के जितने भी OTT रिचार्जेस प्लान है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला प्लान यहाँ पे आपको 1198 रुपये का जो कि नेटफ्लिक्स का है देखने के लिए मिलेगा, मगर इसी के नीचे आपको वोडाफोन आइडिया का सबसे सस्ता OTT पैक देखने के लिए मिलेगा और इस प्लान की जो प्राइस है जो कि आपको पड़ने वाली है 154 रुपये में। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया का 154 रुपये का OTT रिचार्ज करवाते हैं तो इसके अंदर जो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको वैलिडिटी का। इस प्लान की वैलिडिटी आपको मिल जाती है पूरे 30 दिन तक की, यानी कि एक मंथ की, और एक महीने के अंदर जो टोटल इंटरनेट डेटा मिलेगा आपको वो मिलेगा ओनली 2 GB इंटरनेट डेटा। केवल 2 GB इंटरनेट डेटा ही आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ OTT एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन की तो टोटल यहाँ पे आपको 15 OTT एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपको बैनर पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे क्लिक टू सी ऑल के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 15 OTT एप्लीकेशन वो जहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी मेंशन की गई है। चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा G5 का, सोनी लिव का, फैन कोड का, इसके बाद में आपको किक का मिल जाएगा, डिस्ट्रो TV, प्लेफ्लिक्स और भी कई सारे OTT एप्लीकेशन जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। पूरी टोटल यहाँ पे आपको 15 OTT एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप प्लान में इंटरेस्टेड है तो आपको 154 रुपये की पेमेंट करनी है और प्लान को रिचार्ज कर लेना है। अब रिचार्ज करने के बाद भी जो OTT एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन मिले हैं उसे कैसे आपको एक्टिवेट करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें आना है बैक आने के बाद में आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है VI मूवीज एंड TVs। जैसे ही इतना लिख करके सर्च करेंगे तो वोडाफोन आइडिया की VI मूवीज एंड TV जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में सेम नंबर से आपको लॉगिन करना है जिसके ऊपर आपने OTT रिचार्ज किया है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। बस थोड़ा सा ही आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पे आपको OTT एप्लीकेशन के जो सब्सक्रिप्शन है जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमें सोनी लिव के कंटेंट को देखना है तो सोनी लिव का बैनर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आपको टैप ऑन कर देना है और जितने भी कंटेंट अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपको G5 के कंटेंट को देखना है तो जस्ट आपको यहाँ पे G5 का जो बैनर है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और G5 के अंदर जितने भी प्रीमियम कंटेंट अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो भी आपको OTT एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे उसे आप देख सकते हैं VI मूवीज एंड TV एप्लीकेशन के थ्रू। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको वोडाफोन आइडिया के सबसे सस्ते OTT पैक रिचार्ज प्लान के बारे में बताया है। प्लान की प्राइस क्या है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, कौन कौन से OTT एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, कितने टोटल एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे और साथ ही उन सब्सक्रिप्शन को कैसे आपको एक्टिवेट करना होता है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा जो लोग वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हैं, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑल पर सेट करना ना भूलिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।